नमस्कार फ्रेंड्स, देखिए यूपी पीसीएस प्री की परीक्षा जो है वो 24 सितंबर को होने जा रही है। तो वो अभ्यर्थी जो लोग इस परीक्षा को देने जा रहे हैं, कुछ परिवर्तन हुए हैं इस परीक्षा में, उसको जान लेना बहुत ज़रूरी है। परीक्षा 24 तारीख को है, 24 सितंबर को। पहली जो मीटिंग की परीक्षा होगी वो 9:30 बजे से शुरू होगी, 11:30 बजे तक चलेगी। सब्जेक्ट कोड होगा 23 और नेम क्या होगा, जनरल स्टडीज, ठीक है। दूसरी मीटिंग की जो जो परीक्षा होगी वो 2:30 बजे से शुरू होगी, 4:30 बजे तक चलेगी। दूसरी मीटिंग के लिए जो सब्जेक्ट कोड होगा वो होगा 24। सब्जेक्ट कोड भी भरने के लिए ओएमआर शीट में आता है, तो याद रख लीजिएगा, हालांकि वहाँ पे दिया गया होगा, लेकिन फिर भी जान लीजिए कि फर्स्ट पेपर के लिए सब्जेक्ट कोड होगा 23, सेकेंड पेपर के लिए होगा सब्जेक्ट कोड 24। आइए आगे देखते हैं क्या अनुदेश है, क्या करना चाहिए आपको परीक्षा में और क्या नहीं करना चाहिए। आइए देखते हैं। देखिए, इस समय लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से आपको डायरेक्टली वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ जो कि आयोग की वेबसाइट पे लिखा हुआ है। देखिए, इसमें दिया हुआ है कि आपके आवेदन पत्र में सूचित अर्हता पात्रता की जांच आयोग द्वारा नहीं की गई है, अतः विज्ञापन में वर्णित अर्हता या पात्रता को पढ़कर आप स्वयं सुनिश्चित कर लें और पूर्णतया पात्र होने की दशा में ही परीक्षा में सम्मिलित हों, ठीक है। आयोग द्वारा जांच करने पर यदि किसी स्तर पर आप अनर्ह पाए गए तो आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। चलिए, तो नॉर्मल बात है। देखिए, इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, जिन अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र पर फोटो व हस्ताक्षर मुद्रित नहीं है, मतलब अगर आपके जो है प्रवेश पत्र पर फोटो और सिग्नेचर नहीं आ रहा है तो आप क्या, या अस्पष्ट है, या फोटो जो है निर्धारित साइज से छोटी है, तो वे अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर दो फोटो तथा तो दो आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में क्या, मान लीजिए जैसे डीएल है, लाइसेंस है, पासपोर्ट है, पैन कार्ड, वोटर आईडेंटिटी कार्ड, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट इश्यूड आईडी कार्ड, यूनिक जो आधार होता है इसकी एक मूल प्रति, मतलब ओरिजिनल, और एक छाया प्रति लेकर उपस्थित हो, मतलब कि आईडी की मूल प्रति, उसकी एक फोटो कापी और दो फोटो लेकर आपको जाना होगा। कब, अगर आपकी जो फोटो और सिग्नेचर जो है वो सही तरीके से प्रिंट नहीं है या प्रिंट ही नहीं है, ठीक है। अब बिना प्रवेश पत्र के तो परीक्षा में बैठने से रोका जाएगा, ये तो है ही है। अब देखिए और इम्पोर्टेंट क्या है, अगर आप चाहें तो क्लिप बोर्ड या हार्ड बोर्ड जिस पर कुछ लिखा ना हो तथा काली इंक का बॉल पॉइंट पेन लेकर साथ आप जाइए, ठीक है। काली इंक का बॉल पॉइंट पेन और काली इंक के अतिरिक्त अन्य किसी इंक का प्रयोग नहीं करना है वहां पे, तो ये निश्चित करिए आप कि काली इंक का बॉल पॉइंट पेन जो है वो आप ले लीजिए, अच्छी क्वालिटी का ले लीजिए, कम से कम दो, ठीक है। अभ्यर्थियों को अपने पास कुछ भी रखना, जैसे ग्राफ शीट, मानचित्र आदि रखना उनका प्रयोग अनुमन्य नहीं है। कैलकुलेटर, स्लाइड रूल्स कुछ भी नहीं, मोबाइल वेल कुछ भी नहीं, मतलब आप अंदर लेके कुछ भी जा नहीं सकते हैं, ठीक है। परीक्षा कक्ष में कुछ भी आप अदला बदली नहीं कर सकते, किसी से मांग नहीं सकते, किसी को कुछ आप दे नहीं सकते। और हालांकि जैसे पुस्तक, नोट्स, कागज, सामान, संवाद के साधन, मोबाइल वगैरह आदि परीक्षा कक्ष के बाहर निर्धारित स्थान में जमा कर दें, इनकी सुरक्षा का प्रबंध रहेगा। लेकिन सामान खो जाए तो आयोग जो है इनका दायित्व तो नहीं लेता है, तो बेहतर होगा कि अगर आपके साथ कोई जाता है तो आप उसको ही सौंपें, और अदरवाइज जो है मतलब न लेके जाएं अगर आपका परीक्षा केंद्र आपके गृह जनपद में है, और नहीं तो फिर उसकी सिक्योरिटी के बारे में थोड़ा सा आप कॉन्शियस रहें तो ठीक रहेगा। अगर नकल करने की सामग्री पकड़ी जाती है, संभावना बहुत कम है, कोई किसी को क्या पता क्या आएगा, तो लेकिन कमीशन कहता है कि नकल करने की सामग्री पकड़ी गई तो आगामी परीक्षाओं से आपको डिबार किया जाएगा, ठीक है। अंतिम आधे घंटे में किसी परीक्षार्थी को परीक्षा से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए क्या करना है आपको, अभ्यर्थी प्रश्न पुस्तिका प्राप्त करने के पश्चात यह देख लें कि उस पर क्रमांक पड़ा है, क्रमांक देख लीजिए उस पर, अगर नहीं पड़ा तो उसे बदल लें। अगर क्षतिग्रस्त है, फटी हुई है, त्रुटिपूर्ण पत्र जो प्रश्न पुस्तिका है, अंतरिक्षक से कहकर उसको भी आप बदल लीजिए, ठीक है। देखिए, वाइटनर, ब्लेड, रबड़ आदि से किसी भी सूचना को उत्तर पत्र के मिटाया नहीं जा सकता। अभ्यर्थी को प्रश्न पत्र समाप्ति के बाद उत्तर पत्र की मूल प्रति ओरिजिनल कॉपी अंतरिक्षक को सौंप देना है। प्रश्न पुस्तिका अभ्यर्थियों को परीक्षा के बाद अपने साथ ले जाने की अनुमति है, ठीक है। रफ सीट मिलेगी आपको, अगर आपको कोई जैसे मैथमेटिक्स का आएगा उसमें सेकंड पेपर में कुछ मैथ के भी सवाल आते हैं,
तो रफ सीट मिलेगी, तो रफ सीट जो है आप परीक्षा के बाद साथ ले जा सकते हैं। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद अगर शुरू हो जाती है तो 10 मिनट तक देर अधिक से अधिक अगर आपको देरी होती है तो वही प्रवेश दिया जाएगा। बेहतर ये होगा कि आप परीक्षा कम से कम आधा घंटा पहले पहुंच जाएं, क्योंकि तमाम प्रक्रियाओं से भी गुजरना पड़ता है, तो सही समय पर पहुंचना अपना सुनिश्चित कर लीजिए। और देखिए, इस बार ये नई व्यवस्था लागू की है कमीशन ने कि OMR सीट जो है दो प्रतियों में होगी, एक होगी ओरिजिनल कॉपी, दूसरी होगी कैंडिडेट कॉपी। ठीक है, जब परीक्षा समाप्त हो जाएगी तो जो OMR एंसर शीट की मूल कॉपी होगी, ओरिजिनल कॉपी, वो आप अंतरीक्षक को सौंप देंगे और अभ्यर्थी जो है वह कैंडिडेट कॉपी अपने साथ ले जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आप सभी को जो है परीक्षा के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, माँ सरस्वती आपको सफलता दें। तो इस वीडियो में इतना ही, मेरा उद्देश्य था कि आप सभी को ये बातें मतलब जो लोग पहली बार परीक्षा दे रहे हैं उनको ये बातें पता होनी बहुत जरूरी है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।